Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो रही है, तो वहीं कई सारे लोगों के सपनों पर पानी भी फिर रहा है और इसी में से एक नाम हो रहा है अर्पणा अपर्णा सिंह का। जी हां, अपर्णा सिंह बिष्ट, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। और भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुई थी तो उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं वो उनको अपने पार्टी में शामिल करवाए थे, बशर्ते फूल माला दिए थे और वहां तक की चादर भी ओढ़ाया था। और कयास ये लगाए जा रहे थे कि लखनऊ कैंट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपर्णा यादव जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपर्णा यादव को एक बड़का वाला गच्चा और एक बड़ा वाला झटका दे दिया है। कहा जाता है ना कि घर का हुई न घाट का, ऐसा कई सारे किस्से बिहार और उत्तर प्रदेश में शामिल हैं और लगता है कि इसी किस्से पर अपर्णा यादव का जिंदगी भी चल बैठा है। जी हाँ, बात करें तो अपर्णा यादव भी लगातार लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने की बात करती रहती हैं और वहीं अगर पुराने जो विधानसभा हुआ था 2017 में, उसमें अगर मैं बात करता हूं तो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव उनको हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार समाजवादी पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कड़े तेवर दिखा दिए हैं। जी हाँ, बात करें तो अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वहां पर आगरा के सांसद को वहां पर उतार दिया गया। तो वहीं लखनऊ कैंट पर भी अब स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश पाठक को उतार दिया है। ब्रजेश पाठक की बात करता हूं तो योगी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं और वहीं पिछली बार जो है वो लखनऊ मध्य से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो उसको अब लखनऊ कैंट से कैंडिडेट बना गया है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों सीट तो गई, अब अपर्णा यादव का कयास लग रहा है कि इस बार टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि अभी कई सारी टिकटें बाकी हैं, लेकिन अपर्णा यादव अगर वो कहीं से भी लड़ती हैं तो उनका चुनाव जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो वहीं अब दोनों सीट पर इनका पत्ता कट गया है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।